हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश फ्रॉम स्केलटेक मेकाट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे हम एटीएन 220 में विंडशील्ड फिट करते हैं, और आज हम जानेंगे कि उसी एटीएन 220 में किस तरह से हम डेंसिटी फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि जैसे आप स्केल ऑन करते हो, आपको उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो कैलिब्रेशन करना है विद द हेल्प ऑफ दिस की। प्रेस दिस टू टाइम, यू विल गेट द ऑटो कैलिब्रेशन ऑन योर स्केल। उसके बाद आपको डेंसिटी किट चाहिए होगी जो आपके अंदर इसमें फिट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेंसिटी किट में क्या क्या चीज आएगी मैं बता देता हूँ। पहले आपका होगा वेटनिंग असेंबली, सेकंड है ट्राइपॉड स्टैंड, थर्ड है हैंगिंग प्लंजर, और फोर्थ है आपका बिकर ऑफ वाटर। और ये आपका जो बिकर है उसमें हमने वाटर लिया हुआ है, इसमें हम 200 ml तक इसमें वाटर भरेंगे ताकि हम उसमें उसके लिक्विड जो वेट है उसको फाइंड कर पाए। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं। अब कौन से बटन्स को आपको यूज करना है फॉर डेंसिटी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको यहाँ पे दिखेगा टैब बटन, उसके बाद है मेनू बटन, उसके बाद है प्ले बटन, और एक है एरो बटन। ये चार ही बटन्स को हमें यूज करना है फॉर डेंसिटी। किस तरह से यूज करेंगे मैं आपको बताऊंगा। आपको प्रिकॉशंस कौन कौन से रखने हैं मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप स्केल स्टार्ट करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैलिब्रेशन के बाद उसमें डिस्प्ले पे जीरो आना चाहिए, उसके बाद ही आपको डेंसिटी किट को अपने स्केल के अंदर फिट करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम ये सब स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है फॉर मेजरिंग द डेंसिटी, और यहाँ पे मैं ट्वीजर है जिसकी मदद से हम फाइंड करेंगे यहाँ पे कैसे डेंसिटी इसकी फाइंड की जाएगी। तो डिस्प्ले पे जीरो आ गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डेंसिटी फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस द मेनू की एंड प्रेस द टैब, यू विल गेट द डेंसिटी ऑफ एंड डेंसिटी ऑन मोड। सो यू जस्ट नीड टू टिक ऑन बाय की ऑन एरो, यू विल गेट द डेंसिटी ऑन, प्रेस टैब, you will get the solid or liquid. You need to find a solid for solid, so just tear on solid, then you will get the H2O for a water, then you need to press H2O tear, then you will show the temperature, there is a 28 degree. So how you can put it 28 degree, just click on tear button, just write the digits 28 and press the menu. Then they'll ask for press tear. Then press the tear and you will get your density is on now. अभी आपको अंदर डेंसिटी किट प्लेस करनी है किस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इसके जो पार्ट है वो कैसे लगाने मैं आपको बता देता हूँ। इसके तीनों डोर्स है वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन कर लीजिए, दो साइड डोर्स और एक टॉप डोर। उसके बाद आपको यहाँ पे जो हैंग वेटनिंग असेंबली है वो यहाँ पे प्लेस करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दिस, इस तरह से। सो ये होगी आपकी वेटनिंग असेंबली, मेक श्योर कि प्रॉपर तरीके से पैन के ऊपर हो। उसके बाद आपको इसके अंदर ट्राइपॉड स्टैंड फिट करना है। इस तरह से, और आपको अपना जो वेटनिंग असेंबली है उसको सेट कर देना है ताकि वो मेक श्योर कि आपके जो ट्राइपॉड स्टैंड हो वो वेटिंग असेंबली और पैन को टच ना हो। सो ये आपका विटनिंग असेंबली और टाइपो स्टैंड ओके हो गया। अभी इसके अंदर आपको जो आपका बीकर है वो आपको रखना है विद द फील्ड ऑफ वाटर, इस तरह से। मेक श्योर कि आपका जो बीकर है वो सेंटर में हो एग्जैक्टली, ताकि वो अपने स्टैंड से टच ना हो। सो वी हैव डन दिस एग्जैक्टली। नाउ अभी जो आपका जो हैंगिंग प्लंजर है वो आपको उसके अंदर प्लेस करना है फ्रॉम द टॉप ऑफ साइड। सो ये मैंने अंदर अपना हैंगिंग प्लंजर डाला और यहां से इस तरह से प्लेस कर दिया। इसमें आपको प्रिकॉशन रखनी है कि आपका जो वेटनिंग प्लंजर है वो बीकर के एग्जैक्ट सेंटर में हो, बीकर के ग्लास को टच ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको जो दोनों डोर्स है वो क्लोज कर देने हैं लाइक दिस, और आपका जो टॉप डोर है वो भी आपको क्लोज कर देना है। अब आपको इसको टेयर करना है। सो टेयर हैज डन, यू विल शो द जीरो ऑन द डिस्प्ले। अभी जिस मटेरियल का आपको डेंसिटी फाइंड करनी है उसको आपको रखना है। इसमें दो मोड्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल है वेट इन एयर और सेकंड है वेट इन लिक्विड। तो पहले हम वेट इन एयर में देखने के लिए इस मटेरियल को हम प्लेस करेंगे। सो हमने ऊपर का डोर ओपन किया और यहाँ पे हमने रखा मटेरियल जिसके में डेंसिटी फाइंड करनी है। तो ये मैंने क्लोज कर दिया।
Now I'll press the key of arrow, so you will get the M1 on your screen. So this is your waiting air has done. Now open the door and take this material out and put it into the liquid part like this. So you'll now again close the door and press the once again this arrow key, so you will show first of all stable the balance M2 and you'll get the result. So this is your density of material which have used. So your density part is already done. So ये मैं आपको दिखाया कि solid part की कैसे density find करते हैं. तो आपको ध्यान रखना है कि solid part की density निकालते वक्त इस तरह से आपको उसका calibration और सब कुछ करना है. अब last part की कैसे आप density से बाहर निकले. अभी आपको यहाँ पे जो arrow की है वो press करनी है. You will get the print and press the tab. So your density will out. So you again coming to the zero. Now अब जब भी आप अपना काम पूरा होने के बाद आप डेंसिटी की जो अंदर है उसको आपको निकालना जरूरी है बैलेंस बंद करने से पहले, तो ये आपका बैलेंस ऑन होगा. सो एट द एंड जस्ट टेक दिस आउट दिस एंड ओपन द डोर्स, टेक आउट द बीकर. After that tripod stand and your waiting assembly. Now again close the door and again press the tab. So your balance switch has completed. After this you can move ahead and you can off your scale and go out. Thank you so much for this.